दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को लेकर आया हूँ एक बार फिर से अयोध्या जी। दोस्तों आपको ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये है शनि देव जी महाराज का मंदिर है जो कि पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पे बना हुआ है और ये मंदिर सरजू जी के घाट के पास ही पड़ेगा। आज आप सभी लोगों को मैं लेकर चल रहा हूँ सरजू माता की आरती की तरफ जो कि बहुत ही भव्य हो रही है इस समय और आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की तादाद पे लोग यहाँ पे सरजू माता की आरती का लुत्फ उठा रहे हैं और आप भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से सरजू माता की आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं भी आज इस सरजू जी की आरती में सम्मिलित हुआ और मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि आज तक मैं सरजू जी की आरती में नहीं गया था। दोस्तों अपने ही माध्यम से आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे सरजू माता के आरती में सम्मिलित करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप अगर अयोध्या जी आते हैं तो प्लीज़ आप सरजू जी की आरती में ज़रूर सम्मिलित हों और इसके भागीदार आप भी बने क्योंकि सरजू जी की आरती बहुत ही नसीब वालों को प्राप्त होती है और आप यहां पे देख सकते हैं कि कितने सारे भक्त यहां पे बहुत सारे लोग यहां पे उपस्थित हैं इस समय सरजू जी की आरती के लिए। मैं वहाँ पर कई लोगों से मिला और यहाँ से दूर दूर से लोग आए हुए थे जो कि सरजू जी की आरती के लिए ही वहाँ पे रुके हुए थे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आरती में सम्मिलित होते हैं तो यहाँ पे पूरी आरती में आप जरूर रहिएगा क्योंकि आरती के बाद में ही आरती के छींटे यहाँ पे सभी लोगों को मिलते हैं जो कि ज़रूर लेना चाहिए सभी लोगों को। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और अगर हमारी यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे अगर वो लोग अगर आपके रिश्तेदार अगर आपके फ्रेंड्स अगर कोई अयोध्या जी आते हैं तो इन सारी चीज़ों का जो है लुत्फ उठा सके। और अगर अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।